तो जैसे कि इस वीडियो का मैंने टाइटल में ही बोला था कि आप एक मोटर से अपने दो टैंक कैसे ऑपरेट कर सकते हो, तो ये बहुत इजी है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इन दो चीज़ों की। तो ये वीडियो आई थिंक ज़्यादा बड़ी तो होगी नहीं, तो इन दोनों का मेन रोल है। एक्चुअली में इसका भी इतना मेन रोल नहीं है, बट मैंने इसको लेकर आ गया। ये कंट्रोलर है, इसका इतना मेन रोल नहीं है, बट एज इट इज़ कभी कभार ज़रूरत लग जाती है, इस वजह से मैंने इसको लेकर आया। और मैं इसको लगा कर भी दिखाऊंगा। और इसकी अगर आपके पास जैसे कि मैं बता दूं इनका प्राइस, कंट्रोलर आएगा 10 रुपीज़ का और ये आएगा टी पिन कुछ 5 रुपीज़ की। मेरे यहाँ पे तो उतना ही है प्राइस। और ये वाला साले ने मेरे को जूना पुराना दिया, बट कुछ नहीं, अभी हम लोग यूज़ करेंगे। इसका एकदम सिंपल सा लॉजिक है। देखो, पहले तो जैसे कि आपने ये पाइप को कनेक्ट किया है, उसके बाद आपको ये टी पाइप है ना, इसको ज्वाइन करना है इस तरफ से, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको एक ये वाला है, इसको ये साइड से आपको ज्वाइन करना है और इस वाले को इसके साथ कंट्रोलर के साथ। तो जिससे होगा क्या ना कि एक इससे देखो जैसे कि नल के इसमें होता है तो वाटर डिवाइड हो जाएगा। इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। हाँ, और ये एक्स्ट्रा पाइप ये हमारे कंट्रोलर के लिए है, बिकॉज ऑफ कंट्रोलर से होगा क्या, देखो जैसे नल में हम पानी कम ज़्यादा स्पीड करते हैं, वैसे ऑक्सीजन समझो हमने ये टैंक में लगाया तो इस तरफ का ज़्यादा होगा कम होगा, ये कंट्रोलर डिसाइड करेगा। इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। 2000 years later, तो जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैंने पहले जो टी पाइप है उसको हमारे मोटर के इस साइड से लगा दिया है, तो जिससे कि हवा देखो दोनों साइड पे जाएगी। बट कभी कभी इशू क्या होता है पता है, कि एक साइड से हवा जाती है और दूसरे साइड से नहीं जाती। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये कंट्रोलर। तो जिस साइड में आप याद रखना, जिस साइड से समझो अभी ये वाली साइड से हवा जा रही है, मतलब ऑक्सीजन आ रहा है और इस साइड से नहीं आ रहा है, तो आपको कंट्रोलर लगाना है इस साइड से, बिकॉज आपकी एयर पास यहाँ से फास्ट हो रही है, तो आपको कंट्रोलर इस साइड लगाना है। तो मेरे केस में तो दोनों साइड से हो रही थी, बट फिर भी मेरे को कंट्रोलर लगाना था, क्योंकि मैं अभी इसको एक बेटा फिश के टैंक में रखूँगा और दूसरा ये हमारे पोलार पैरेट्स के लिए। मैं ये अभी इसे बना के रख रहा हूँ, तो कंट्रोलर का ये काम है। तो मैं अभी इसको आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, बहुत इजी है। और कंट्रोलर से होगा क्या पता है, कि आपकी एयर जो है वो दोनों साइड में आप मैनेज कर सकते हो, कम और ज़्यादा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक मोटर अगर आपके पास है तो भी आप दो या दो से ज़्यादा टैंक ऑपरेट कर सकते हो इससे। इतना ही, अभी मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो, मैंने इसको लगा दिया है अपने बेटा फिश के टैंक में और एक ही इससे लगाया और टी पाइप पीछे डाल दिया है मैंने, तो उसको मत देखो। यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा एक्सेसिव बबल है और यहाँ पे भी है बबल्स। तो अगर मेरे को यहाँ पे कुछ और बबल्स लाने और इसको थोड़ा कम करना है, तो मैं इसको घुमा दूँगा जैसे कि रुको। इसको मेरे को फिट करना है और तुम देखते रहो और ज़्यादा और देख रहे हो। तो यहाँ पे थोड़े कम हो गए, यहाँ पे कम, रुको मैं पूरा कम करके दिखाता हूँ। एक हाथ से फ़ोन ये नहीं होता ना, मैं पूरा कम करके दिखाता हूँ। अभी देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे कितने कम बबल्स आ रहे, और इस तरफ देख सकते हो हार्ड अमाउंट ऑफ बबल्स है। अगर मैं इसे फास्ट कर दूँ मोटर को तो देखो यहाँ पे डबल आ रहे और यहाँ पे तो पूरा बबल ही। बट हमें मोटर फास्ट नहीं करनी है, बिकॉज हम सिर्फ दो टैंक में ही यूज़ कर रहे हैं। अगर हम तीन टैंक में यूज़ करते तब हमें मोटर की ज़रूरत पड़ती। तो आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसे ये वीडियो अच्छी लगी होगी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।